मैंने अभी तक सिर्फ 5 क्लाइंट हैंडल किया है, 2 ITR 1 से थे और 3 हमारे ITR 4 से थे, प्रिजम्पटिव बेसिस पे मैंने फाइल किया था उनका। ओके, सो इनकम टैक्स का भी आपने किया है ना? सो यस मतलब मैं प्रॉब्ली आपने दिसंबर से पहले ही वर्क कर लिया होगा, क्योंकि उसके बाद तो रिटर्न वैसे हां सर पहले हां 21st से लेकर 25 के बीच में किया था मैंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जिन क्लाइंट्स का आपने किया है उनका जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन है क्या? ये सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, बट उन्होंने अपने किसी से करवा लिया था, अभी तो नए हैं तो अभी ट्रस्ट फैक्टर जनरेट नहीं हुआ है, तो बोला है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हम लोग के पास काम भेज देंगे वो। ठीक है, अकाउंटिंग का भी पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, उन क्लाइंट्स को अपने टच में रखना, गैप मत आने देना। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अभी 3 months है ना, सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से होगा, अप्रैल में भी फिर वो आएंगे नहीं आएंगे क्या डिसीजन लेते हैं, तो 3 महीने का गैप क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट में बिल्कुल बिल्कुल आपको रहना ही है। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है, उनका आप MSME रजिस्ट्रेशन कराइए। उनका MSME रजिस्ट्रेशन हो रखा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना, उनका नहीं हुआ होगा, तो आप MSME रजिस्ट्रेशन उनका करो, उनको उसके बेनिफिट्स बताइए, उनका रजिस्ट्रेशन करिए, फीस चार्ज करो उनसे। ठीक है, मतलब आप 2000 तक चार्ज कर सकते हो, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि रिलेशन बिल्डअप करने की बात है, 500 से 2000 के बीच में जहाँ एग्री कर जाते हैं दैट्स ओके। आप उनका MSME रजिस्ट्रेशन करोगे, इससे क्या होगा, ट्रस्ट फैक्टर बनेगा, आपके टच में रहेंगे। एक सर्विस आपने और दे दी उन्हें, तो इससे उनको आप नहीं जाने दोगे। दूसरा क्या है, उनका एक काम और आप कर सकते हो, अगर आप उनसे बात उतने लेवल पर कर पाओ, उनसे कहिए कि आप रिटर्न अप्रैल से फाइल कराना मुझसे, उससे पहले मैं करूंगा भी नहीं अभी आपकी फाइल, ठीक है ना, कि क्योंकि आपका पिछले ईयर का है, फिर आपके उसमें एनुअल रिटर्न वगैरह हो सकता है, जानी हो या जो भी है, वो मैं अप्रैल से करूंगा। आप मुझे फरवरी से अपनी लॉगिन डिटेल्स शेयर कर दो, उनसे लॉगिन डिटेल्स लो। लॉगिन डिटेल्स पे क्या होगा कि वो लॉगिन डिटेल्स शेयर करेंगे, कि सिर्फ मुझे क्या करना है, आपका वो चेक करना है कि पास्ट रिकॉर्ड कैसे, सो देट कि सही प्लान करके मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ अप्रैल से कैसे मूव करना है। ठीक है, उन्होंने लॉगिन डिटेल दे दी, मतलब वो ट्रस्ट पूरा आप पे बन गया। अगर उन्होंने लॉगिन डिटेल नहीं दी, टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं, उनसे प्रिंट आउट ले लो या सॉफ्ट कॉपी ले लो अपने GSTR 1 और 3B की। इसी प्रोसेस में आपका एक से दो महीना निकल जाएगा, कम से कम आपके क्लाइंट के साथ 10 कॉल हो जाएंगी, क्लाइंट आपके टच में आएगा और ट्रस्ट फैक्टर धीरे धीरे बन रहा होगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, वो किसी से भी करवा रहे होंगे, गलती जरूर होगी उसमें जीएसटी रिटर्न में, ठीक है ना, 100% परफेक्ट बहुत कम मिलेगी आपको। तो जहां आपने उनको दो मिस्टेक बताई, वो आपके ऊपर स्विच करने को पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइम इनकम टैक्स के क्लाइंट्स तो मिलेंगी नहीं, न्यू क्लाइंट्स अभी नहीं मिलेंगे, आप ये मान के चलिए जुलाई में जाके आएंगे क्लाइंट्स अब तो, है ना, तो ये पीरियड क्या है कि दूसरी सर्विसेज है उन पे अपना फोकस करने का है।